ये रहा इसका आंसर, पहले का 6, दूसरे का 3.5। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्म रिक्वायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ द फंड 25 लाख, यानी फर्म को टोटल फंड चाहिए 25। टू ऑप्शन है, ऑल इक्विटी, हाफ इक्विटी, यानी एक ऑप्शन नंबर वन जहां पे सारा का सारा रहेगा हमारा इक्विटी, ऑप्शन नंबर टू जहां पे 12,50,000 का इक्विटी एंड 12,50,000 का कहता है 15% डेट, डिबेंचर, डिबेंचर है, डेट है, डेट है 15%। द इक्विटी शेयर कैन बी करंटली 100 रुपीज पर शेयर, और ये 100 ईच है। द एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज 2,50,000 रुपए विद टैक्स रेट 30%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ईपीएस निकालना है दोनों केस में। सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी आ गया आपका 250 माइनस इंटरेस्ट, पहले केस में 0, दूसरे केस में 15% ऑफ 12,50,000, 15% 12,50,000, 18 माइनस करेंगे, ये तो 2,50,000 रहेगा, बट 62 ये आ गया ईबीटी, माइनस कर दो टैक्स 30%, 75,000, 175। टोटल ये आ गया पीएटी इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले केस में नंबर ऑफ शेयर्स 100 से ईच से करोगे तो 2,50,000 को डिवाइडेड बाय 100 कर दो आप, ये आ जाएगा 2,500 से डिवाइड करना, और दूसरे केस में 12,50,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो नहीं, 25,000 आएगा, और ये 12,500 इसको डिवाइड कर देना है, ईपीएस आ जाएगा 1,75 डिवाइडेड बाय 25,000 सात आएगा, यहाँ आंसर गलत है, 7 आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना मैं मना करता हूँ, 3.5 ये ठीक है। तो जितने भी बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया, तो आप देखो पहले क्वेश्चन में ही एरर आ गया, तो आप बुक का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करने बैठोगे ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि कोई करता नहीं, और कभी सॉल्व भी नहीं हुआ तो कभी एरर ठीक भी नहीं हुआ, तो इस वजह से क्वेश्चंस में एरर रहेगा। तो हमारा आंसर ये है, कितने बच्चों का सेम आंसर आया बताइए, न्यू चैप्टर नहीं है यही रहे अभी, कितने बच्चों का ये आंसर आया पहले बताइए टेस्ट का फटाफट। कल आप सभी बच्चों का कॉलेज का छुट्टी है या कॉलेज है? सेम है सर। कल आप सभी स्टूडेंट कितने बच्चे रेगुलर के हैं, कॉलेज की छुट्टी है या कॉलेज है बताइए। सेम है,
6.8 एंड 3.5। 6.8 गलत है प्रियंका, आप चेक करिए, ये 7 आना चाहिए। मैं भी एक बार दोबारा से करेक्शन चेक कर लूँ, क्या पता 2.5 लाख का 30% डिवाइडेड बाय 25,000, 7 ही आना चाहिए, ऑफ है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आज इसी चैप्टर को करेंगे, एक क्लास और लग जाएगा उसमें। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस बता दूं आपको। कहता है ए बी लिमिटेड नीड, कितने नीड है इसको, नीड है 10 लाख। द एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड ईल्ड एनुअल ईबीआईटी, ईबीआईटी चूजिंग द फाइनेंशियल प्लान, ए बी लिमिटेड ऑब्जेक्ट मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर चाहती है, यानी कंपनी चाहती है कि हमारा जो ईपीएस हो ना वो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। इट इज कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी इशूइंग इक्विटी शेयर एंड रेजिंग डेट ऑफ, कहता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी कुछ इक्विटी करे और कुछ रेजिंग डेट, पहले में ये करे ये करे ये करे, यानी 3 प्लान हो गया। बोलता है पहले केस में हम ऐसा करेंगे, 10 लाख में से ना 1 लाख रुपए का डेट होगा और करेंटली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स 25 रुपए का है, एक्सपेक्टेड ड्रॉप टू 20 हो जाएगा इफ फंड बोरोड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, यानी 5 लाख से जब ज्यादा जाओगे तो आपका शेयर्स का प्राइस 25 के घट के 20 हो जाना है। फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ, अगर अलग अलग रेट दे दिया तो मैं पहले प्लान बता दूं, प्लान 1 और प्लान 2 में आपका रहेगा 4 लाख का कर्जा, और प्लान 1 आपको समझाऊं मैं, इसमें रहेगा ये डेट और इसमें इक्विटी कितने बचेंगे 9 लाख, इसमें इक्विटी कितने बचेंगे 6 लाख, तीसरे प्लान में डेट कितने हैं 6 लाख, तो इसमें इक्विटी कितने बचेंगे 4 लाख। ये तो ये क्लियर हो गया। कहता है अगर आपने 1 लाख रुपए तक लोन लिया तो 8% ब्याज, तो पहले केस के अंदर आपका ब्याज क्या होगा इस डेट का 8%, अगर आपने ओवर 1 लाख लेकिन 5 लाख रुपए तक लिया तो 12% का ब्याज होगा, दूसरे केस के अंदर आपका 4 लाख है तो 5 लाख से कम है तो इस डेट पे 12%, एंड 5 लाख से ऊपर पे 18%, तो तीसरे केस में जो डेट है आपका इसके ऊपर आपको ब्याज लेना कितने परसेंट है 18%। अज्यूम टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30 है, डिटरमाइन द ईपीएस फॉर द 3 फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, आपको ईपीएस बताना है और तीनों का ईपीएस नीचे आपको गिवन है। तो आपके कितने प्लान हो गए, ये 3 प्लान हो गए, तो आपको 3 लाइन खींचने पड़ेंगे। अब मुझे क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत है नहीं, आंसर में ना काफी, मैं इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोच रहा हूं, अवॉइड ही कर दे। तीन प्लान, अब सबसे पहले हम ना इक्विटी भी निकाल लें, नंबर ऑफ इक्विटी ऑप्शन नंबर 1 में, तो कहता है कि भैया हमारा ऑप्शन नंबर 1 में शेयर का प्राइस कितना है 25 है, कितने का शेयर है 9 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाय 25, 9 लाख डिवाइडेड बाय 25 तो ये 36,000। लेकिन कहता है कि अगर आपका द करंट प्राइस ये है, ड्रॉप 20, अगर बोरोड एक्सेस 5 लाख से करेगा तो दूसरे प्लान में भी 5 लाख से एक्सेस नहीं है, तो ये हमारा दूसरा होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 25 यानी 24,000। तीसरे केस के अंदर आपका जो लोन है वो 5 लाख से ज्यादा है तो 4 लाख को डिवाइड करना होगा, दैट इज 20 से, अब आपको यानी 20,000 ये आ गया। ईबीआईटी जो दे रखा है आपको तीनों ही केस में 160, 160
160। माइनस अगर इंटरेस्ट की बात करें, पहले केस में लोन है 1 लाख का 8%, 8,000, दूसरे में 4 लाख का 12%, 48, और तीसरे में 18%, 6 लाख का। तो 6 लाख का 18%, 1,08,000, ये आ जाएगा हमारा 152, ये आ जाएगा हमारा 112, और 160 माइनस में 1,08,000, ये आ गया 52, ये आ गया EBIT, सॉरी EBT। माइनस करिए साहब टैक्स, टैक्स कितना बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, 30%, तो इसका तो 30% आ गया 156, और माइनस भी करके ये आ गया 36,400, 1,12,000 का 30%, 35,600, ये आ गया 78,400, 152 का 30%, 45,600, ये आ गया आपका 106,400। आप डिवाइड किसे करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 36,000, 24,000, 20,000, तो डिवाइडेड बाय 36,000, नाउ 2.95, 2.96 दे रखा है आपको ईपीएस वहां, ठीक है। 78,400 डिवाइडेड बाय 24,000, 3.26। अब देखो यहाँ पे 3.26 आ रहा है और यहाँ आंसर है 3.38, तो ये बच्चे फिर परेशान हो गए, सर क्यों डिफरेंस आ रहा है। 36,400 डिवाइडेड बाय 20,000, ये 1.82। अब वो भी गलत है भाई, वो भी गलत है। तो यहाँ पे देखो दो आंसर अगेन आपके क्या है, गलत है। लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था 16 को शायद हमने, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके हैं, 5-6 हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आंसर देख के अननेसेसरी के ना आपको भी डाउट होगा कि यार ये चैप्टर मेरे को सही में आता भी है कि नहीं आता है। अब देखो जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब पहला आंसर ठीक आ गया, सब कुछ सीक्वेंस सेम है, तो दूसरा क्यों गलत आया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मैक्सिमम के आंसर गलत हैं। एक बार बच्चे जो ऑफलाइन में आते थे कई 2-3 साल पहले, तो वो सारे प्रैक्टिकल भी करते थे, तो उस बैच में बच्चे इतने परेशान हो गए और मुझे भी परेशान होना पड़ा कि भाई इसके आंसर क्यों नहीं आ रहे, आंसर क्यों नहीं आ रहे। बाद में पता चला कि भाई आंसर ही गलत, हाँ लेकिन कि कोई भी इलिस्ट्रेशन गलत नहीं है, इलिस्ट्रेशन के सोल्यूशन 100% करेक्ट किए हुए इन्होंने। कहीं सोचो कि हमने इलिस्ट्रेशन सॉल्व किया है और हमारे आंसर कुछ और, नहीं, उनके इलिस्ट्रेशन के आंसर मैं कई बार चेक कर चुका हूँ, ठीक है।